नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। हम पढ़ाई कर रहे हैं राजस्थान कंप्यूटर टीचर की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें जो संभावित सिलेबस है उसके आधार पर हम तैयारी कर रहे हैं। इसका पहला वीडियो मैं आपको डाल चुका हूं और देखा गया है कि आपका प्यार कम मिल रहा है इस वीडियो के ऊपर, तो अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। ये सेकेंड वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग गया, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से माफी चाहूंगा मैं आपसे, और कोशिश करूंगा कि लगातार मैं आपको क्लास उपलब्ध कराता रहूंगा, परंतु थोड़ा सपोर्ट आप भी करें और अपने जो दोस्त हैं उनको इनवाइट करें मेरे चैनल के ऊपर, जिससे वो भी क्लास का फायदा उठा सके, क्योंकि क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, कोई इसमें चार्जेबल नहीं है और हम और आप दोनों मिलकर अच्छे से तैयारी करेंगे। हमारा लक्ष्य है इस एग्जाम को क्रैक करना, सिलेक्शन पाना। सिलेक्शन पाओगे तो एक मुझे भी बहुत दिल को खुशी मिलेगी। तो हम पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने नंबर सिस्टम के अंदर बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी नंबर में चेंज करना सीखा था, कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं और डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। पिछली बार तो हमने जो बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी जो परिवर्तन किया था वो सामान्य नंबर थे। आज हम दशमलव वाले नंबरों को बाइनरी के दशमलव वाले नंबरों को डेसिमल में और डेसिमल वाले को बाइनरी में परिवर्तन करना सीखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन में बोल दबा लें और लाइक करना ना भूलें। तो आज का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी विद फ्लॉट, अर्थात आज हम सीखेंगे डेसिमल नंबर के दशमलव वाले अंकों को बाइनरी में बदलना, दशमलव जिसमें पॉइंट आते हो। पिछली क्लास में हमने बिल्कुल सिंपल नंबर थे उनको हमने बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी बदलना सीखा, आज दशमलव वालों को हम बदलेंगे। उससे पहले आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और फटाफट मेरे चैनल को वीडियो को लाइक कर दें और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लास लगातार चल रही है तो चलते हैं, एक नंबर लेते हैं इससे पहले, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली दो तीन प्रश्न आएंगे इस टॉपिक से। नंबर है आपका 45.125, 45.125, ये एक डेसिमल का नंबर है। ये डेसिमल के नंबर को हम बाइनरी में बदलना सीखेंगे, तो बिल्कुल बहुत ही धीरे धीरे आसानी से हम इसको बदलना सीखेंगे। पिछली वीडियो में जो आपने समझा था आई होप आपको समझ में आया होगा, और कमेंट्स करके जरूर बताएं, और कुछ कमी हो डाउट हो वीडियो को दोबारा देख लें, और फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स करके जरूर पूछें। चलो ठीक है, अब हमको सीखना है डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल का एक नंबर है 45.125, इसको हमको बाइनरी में बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को दो भागों में बांटेंगे। प्रश्न क्या है, 45.125, सबसे पहले क्या करना है, इसको दो भागों में बांटेंगे। दो भाग कैसे, 45 तो ये प्लस 125 पॉइंट, ठीक है, ये दो भाग हुए, ये तो हो गया आपका भाग नंबर एक, ये हो गया आपका भाग नंबर दो। अब क्या करना है, सब बहुत ही आसानी समझेंगे इस चीज को, हम भाग नंबर एक को सॉल्व करते हैं। पहले जो भाग नंबर एक है इसको सॉल्व करने के लिए हम जो पहले किया था वो काम करेंगे, एक एक का दुगुना दो, दो का दुगुना चार, चार का दुगुना आठ, आठ का दुगुना सोलह, सोलह का दुगुना 32, ठीक है। अब क्या करना है, वही काम करना है, क्योंकि 32 लिया लेना कहां तक है, इसके बराबर या इससे छोटा, तो 32 दूनी 64 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हमको क्या करना है, बराबर ले या छोटा ले, तो 32 यहां पर छोटा रहेगा। अब क्या करना है, अब किन किन अंकों को जोड़ने पर 45 आए वो लेना है आपको। तो देखो 32 को जोड़ेंगे, 8 को जोड़ेंगे, 32 और 8 40 और 4 44 और 1 45, ठीक है। अब जिन जिन को जोड़ने से 45 आया उनके नीचे 1 लिख देंगे, और जिनका हमने यूज ही नहीं किया उनके नीचे
जीरो लिखते हैं। तो सामान्य नंबर को बदलने की मैंने एक लॉन्ग ट्रिक सिखा, लॉन्ग ट्रिक तो नहीं, लॉन्ग मेथड ही मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में। तो पिछली वीडियो देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। यदि आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हो तो पहले पिछली वीडियो देखो, वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो ये प्रश्न और आपको आसान लगेगा। तो 45 का बाइनरी नंबर क्या हो गया आपका, ये हो गया। अब बात करते हैं आपकी 0.125 को बदलने की। तो ये भाग नंबर 2 है, तो कैसे बदलेंगे साहब इसको देखो। पहले क्या करेंगे, 0.125 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो मल्टीप्लाई जो 2 से किया हमने, तो हमने पाया आंसर 0.250, ठीक है। चलो आगे चलो, अब वापस इस नंबर को नीचे लिखेंगे 0.250, फिर गुणा करेंगे किसे, 2 से। तो हमने उत्तर मिला हमें 500। फिर 0.500 को फिर मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा गुणा करने पर 1.000। तो पॉइंट के बाद 000 आ रहे हैं, तो वहीं अपना काम खत्म हो गया, ठीक है। पॉइंट के बाद 00 आ रहे हैं, तो वहीं पर अपना काम फिनिश हो गया। और जो ये पॉइंट से पहले जो नंबर आए हैं, इन नंबरों को हम टॉप से बॉटम की तरफ लिख लेंगे। 0 पहले, फिर 0, फिर 1, 0 0 1। अब इस नंबर को इस नंबर के साथ जोड़ देंगे। ये क्या नंबर था, ये नंबर था 1, ये वाला 0 1 1 0 1, पॉइंट इसको साथ जोड़ दो 0 0 1। ये आपका हो गया, इजीली हो गया, बहुत आसानी से हो गया। डेसिमल को बाइनरी में हमने बदल दिया। तो जो प्रश्न था हमारा 45.125, इसका बाइनरी नंबर क्या होगा, 1011101.001, ठीक है। तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और नोट्स बनाते रहें फटाफट। और समझ में आ गया हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दें और दोस्तों को शेयर करें, इनवाइट करें, ठीक है। अब मजे से पढ़ेंगे और उद्देश्य होना चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करना, बस मजा आ जाएगा यार। अब करेंगे हम बाइनरी टू डेसिमल विद फ्लॉट, ठीक है। और फिर हम बाद में एमसीक्यू करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो और भी आपका टॉपिक क्लियर होगा। हम सारे काम करने वाले इस चैनल के माध्यम से, बस आपको करना क्या है, जुड़े रहना है हमारे साथ। तो बाइनरी का एक नंबर है 1101.101। इस बाइनरी के नंबर को हमको बदलना है डेसिमल में। बाइनरी का बेस 2 और डेसिमल का 10। यदि आपको 2 दिख जाए बेस, आधार, समझ जाए ना बाइनरी है। और बाइनरी को हिंदी भाषा में बोलते हैं द्विआधारी, द्विआधारी, ठीक है। तो द्विआधारी को हमको क्या किसे बदलना, डेसिमल में बदलना है। तो देखो यहां पर दशमलव से पहले का भाग और दशमलव के बाद का भाग, तो डेफिनेटली 2 भाग तो हो नहीं होने हैं। तो इस प्रश्न को भी हम 2 भागों में बांटेंगे, 1101। एक भाग तो इसका ही हो गया 0.101, दूसरा भाग हमारा ये हो गया भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे सर, भाग नंबर 1 को लेंगे 1101, यहां से वही नंबर लिखेंगे दोगुना करते हुए, 1 1 का दोगुना 2 2 का दोगुना 4 4 का दोगुना 8। इसकी मैंने लॉन्ग मेथड भी आपको बता रखा है, आप देख सकते हैं, ये आपकी ट्रिक के द्वारा है। अब जिसके ऊपर 0 सो काट दो, क्या बच गया, उनको जोड़ लो, 8 और 4 12 और 1 13। तो इस वाले अंक का तो 13 डेसिमल हो गया। अब दशमलव के बाद वाले का करते हैं, तो कैसे करेंगे दशमलव के बाद वाले का, 1 0 1, थोड़ा दूर दूर लिख देंगे इसको। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, जो आधार होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ब्रैकेट में बंद कर देंगे, प्लस का सिंबल लगा देंगे। अब इसके ऊपर घात लिखेंगे, -1
माइनस टू माइनस थ्री करते हुए, यदि आगे हैं तो माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स भी हो जाएगा। अब इसको करना है सॉल्व, एक का एक, यदि पावर वन है तो एक बटे दो लिखेंगे उसको, प्लस जीरो से मल्टीप्लाई जीरो लिख देंगे, एक गुना माइनस में पावर है तो लिखेंगे, और टू की पावर कितनी है थ्री, तो मतलब आठ हो गया इसको, क्या हो गया आठ। एक गुना एक करेंगे एक आएगा, अब एक में दो का भाग देंगे अपन तो आएगा आपका 0.5, ये जीरो है ये, प्लस एक गुना एक करेंगे एक आएगा, अब एक में भाग देंगे आठ का तो 0.125 यहां पर आएगा। अब इन तीनों नंबरों का आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आपका अंक आएगा 0.625। अब इन दोनों को मिला के लिख देंगे, लिखो मिला के 13.625, यह आपका बाइनरी से डेसिमल हो गया। कौन से वाले नंबर? प्लॉट वाले नंबर अर्थात दशमलव वाले नंबर अर्थात पॉइंट वाले नंबर, ठीक है। तो ये तो बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी दोनों हमने चेंज कर लिए, बिना दशमलव के आए या दशमलव के द्वारा आए, अर्थात फ्लॉट वाले आए या बिना फ्लॉट वाले आए, तो दोनों प्रकार से हमने इसको समझ लिया है। अब थोड़ा सा हम आगे इस टॉपिक को लेके चलते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका ऑक्टल टू बाइनरी, तो बाइनरी के बारे में तो हम समझ चुके हैं पहले से, अब बात करते हैं ऑक्टल की। तो ऑक्टल का जो बेस होता है, जो आधार होता है, वो आठ होता है, क्योंकि इसके अंदर नंबर होते हैं जीरो से लेकर सेवन तक, तो जीरो से सेवन तक कुल आठ नंबर हो गया, इसलिए इसका बेस कितना होता है आठ होता है। अब ऑक्टल को बाइनरी में बदलते हैं, ऑक्टल में सिर्फ जीरो से सात तक नंबर आएंगे, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आएगा। अब यहां पर आधार लग रहा है आठ और नंबर यहां भी आ गया आठ, तो वो गलत तरीका है, वो गलत प्रश्न आपका छप गया है, ठीक है। तो विशेष ध्यान रखें इन चीजों का, और फटाफट लाइक करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, बुलाएं सभी को, और जो सुख सुविधाएं मेरे पास हैं उनके द्वारा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, जैसा है अच्छी मेहनत करनी है अपन को मिलकर। कहीं कोई डाउट हो कमेंट करके पूछें आप। तो ऑक्टल को बाइनरी बदलना है, तो ऑक्टल का एक नंबर है 4, 7, 5, इस ऑक्टल के नंबर को बदलना है बाइनरी में, तो कैसे बदलेंगे? पहले क्या करेंगे, इस नंबर को थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, 4, 7, 5 लिख दिया। अब तीन डिजिट, ठीक है, इसमें कितनी डिजिट है, 1, 2, 3, ये और भी सिंपल है पहले वाले प्रश्न से, और भी ज्यादा आसान भाषा में लिखा हुआ है, और आसान भाषा में इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर? 1, 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, ये तीन का एक ग्रुप यहां पर बनाएंगे, 1, 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, हो गया। अब इनमें किन किन नंबर को जोड़ने पर 5 आता है, तो 4 और 1, 5, तो उनके नीचे 1 लगा देंगे और जो बच गया उसके नीचे 0 लगा देंगे। यहां पर 4 और 2, 6 और 1, 7, सबके नीचे एक ही आ जाएगा, यहां पर 4 बस बाकी 4 है, इसको ये अपन हो गया, इनका कोई यूज नहीं हुआ, तो इनके नीचे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, और इन सब नंबरों को मिला के लिख देंगे 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1। ये हमने एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा इसको हमने आसान भाषा में हल कर लिया। अब हम करेंगे बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी हम समझ चुके हैं, अब है आपका बाइनरी टू ऑक्टल। तो हम क्वेश्चन पिक करते हैं, अभी अभी रिसेंटली जो बाइनरी में आंसर आया था उसी को हम यहां पर ले लेते हैं। बाइनरी का नंबर है हमारा 1, 0, 1, सॉरी अभी क्या आंसर आया था सो लेते ना, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1। रिसेंटली अभी एक क्वेश्चन किया था अपन ने, अभी उसका ये बाइनरी आंसर आया था, उसको मैं यहां पर ले लिया है,
इस बाइनरी के नंबर को हमको बदलना है किसमें, ऑक्टल में, ठीक है। आधार 8 है, ऑक्टल बदलना है। कैसे बदलेंगे साहब, देखो करना क्या है। देखो इसके कितने ग्रुप है, 3, इसे कितने ग्रुप है, 3, इसे कितने ग्रुप है, 3, तो इनको 3-3 के ग्रुप में हमने डिवाइड कर लिया। चलो थोड़ा दूर दूर लिख लेते, 1 0 0 1 1 1 1 0 1, ठीक है, थोड़ा दूर दूर लिख लिया। अब वही नंबर हमको यहाँ पर अभी रिपीट करना है, 1 1 का दुगुना 2 2 का दुगुना 4, 1 1 का दुगुना 2 2 का दुगुना 4, 1 2 4, ठीक है। देखो ग्रुप बनाने पीछे की तरफ से, ठीक है, सपोज करो यहाँ पर 2 अंक होते तो आप आगे 1 0 लगाकर उसको तीसरा अंक आप बना लेते, ठीक है। अब करना क्या है, जिनके ऊपर 0 है उनको काट दो, इससे क्या मिला हमको, 4, इससे क्या मिला, 4 और 2 6 और 1 7, इससे क्या मिला, 4 और 1 5, इन तीनों को मिला के लिख दो, 4 7 5, क्या ऑक्टल नंबर आ गया। यही किया था कुछ देर पहले हमने भाई, 475 का बाइनरी निकाला था तो ये नंबर आया था, इसका अपन ने वापस ऑक्टल निकाला तो वही नंबर आ गया। तो आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसकी शॉट लेके रख लें और जितना हो सके प्रैक्टिस करें। मैथ है 83 गलती, पूरा आंसर गलत निकालती है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसको करने के लिए, और बहुत अच्छी अच्छा और फ्री वाले मार्क्स आपको मिलेंगे। रटना नहीं है, समझना है, और समझ में आ जाता है तो कोई सा भी नंबर आ गया उसको आप आसानी से बदल दोगे और फ्री के अपने नंबर आप उठा लोगे। तो बाइनरी से ऑक्टल हम आज की क्लास हम यही फिनिश करेंगे, अगली क्लास अगली वीडियो में। जाने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जिसको आपको बाइनरी का नंबर है 1 0 1 0 1 0, ये बाइनरी का नंबर है, आपको इस नंबर को बदलना है ऑक्टल में। 1 0 1 0 1 0 बाइनरी का नंबर है, इसको बदलना है ऑक्टल में, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, लिख लें, और कहीं कोई डाउट हो वीडियो दोबारा देखे, कमेंट करके पूछे, अपनी प्रतिक्रिया चैनल के माध्यम से हमें देते रहें, आपका साथ हमें मोटिवेशन देता है और जोश पैदा करता है कि हम और अच्छा करें। थोड़ी वीडियो डिले है इसके लिए माफी चाहूंगा मैं आपसे, लगातार क्लास लेने की कोशिश करता रहूंगा मैं, और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, उनको भी आप इस चैनल पर इनवाइट करें। यहाँ पर कंप्यूटर की तैयारी नहीं और भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की जाती है, और विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब हो या कोई स्कीम हो उससे नोटिफिकेशन, उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, और आपके करियर से संबंधित कि 12th के बाद क्या करें, ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, या BAMS क्या होता है, HM, तो आप विभिन्न प्रकार की जो डिग्री डिप्लोमा की नॉलेज है वो भी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और पास में बेल आइकन है वो दबा लें। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, आज के लिए जय हिंद जय भारत।